मनीष वाधवा से पहले इन कलाकारों ने विलेन के रूप में मचाया गदर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। उसी तरह से हिंदी फिल्मों में दो किरदार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, एक हीरो और दूसरा विलेन। हीरो का रोल करना जितना कठिन और खास होता है, उतना ही विलेन का किरदार निभाना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे कलाकारों के बारे में जिन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर दुनिया भर में अपने नाम का सिक्का जमाया है। सनी देओल की बहुचर्चित फिल्म गदर 2 में मशहूर कलाकार मनीष वाधवा एक विलेन के किरदार निभा चुके हैं। फिल्म के साथ साथ हर तरफ मनीष वाधवा की जमकर तारीफ हो रही है। हर कोई मनीष वाधवा को विलेन के किरदार में देखकर जमकर प्यार लुटा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक विलेन को प्रशंसकों का इतना भरोसा, इतना प्यार और इतनी इज्जत मिलती है। लेकिन मनीष वाधवा को गदर 2 में विलेन का किरदार निभाने वाले हर तरफ से काफी सम्मान मिल रहा है। प्राण आज हम सबके बीच नहीं है, परंतु उनकी कला की वजह से आज भी वो अपने फैंस के दिलों में जीवित है। प्राण को भारतीय सिनेमा में दिग्गज अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अपने फिल्मी सफर में आधे से ज्यादा निगेटिव रोल किए थे, लेकिन अपने शानदार अभिनय और एक्टिंग स्टाइल के कारण वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों के बादशाह बन गए हैं। 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में प्राण ने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए। फिल्म में जब प्राण होते थे तो हीरो से ज्यादा विलेन की चर्चा होती थी। सिनेमा जगत के फेमस विलेन अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर के आरंभिक दिनों में छोटे छोटे कई रोल किए, लेकिन खलनायक के तौर पर जबरदस्त सफलता उन्हें फिल्म शोले से मिली। उन्हें आज भी बॉलीवुड के गब्बर सिंह के रूप में याद किया जाता है। ऑल टाइम क्लासिक फिल्म शोले में उनका डायलॉग असंभव कितने आदमी थे आज भी बहुत पॉपुलर है। अमजद खान ने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया था और फैंस का प्यार जीता था। बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं में से एक प्रेम चोपड़ा अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय हैं। अपने 6 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें गहरी चाल 1973 में, त्रिशूल 1978 और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा निगेटिव रोल करने के लिए अधिक पॉपुलर थे। फैंस फिल्म में प्रेम चोपड़ा के किरदार को देखकर हमेशा ही उनकी तारीफ करते थे और आज भी लोगों को वो दिन याद हैं जब प्रेम अपनी एक्टिंग से फिल्म की जान बन जाते थे। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभावान अभिनेताओं में से एक थे। अपनी कलाकारी से हमेशा ही फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले अमरीश पुरी को लोग एक विलेन के रूप में याद करते हैं। अपने बेजोड़ अभिनय के लिए अमरीश पुरी को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फिल्म में अमरीश पुरी का किरदार कई बार हीरो के किरदार पर भारी पड़ जाता था, इतना ही नहीं शानदार एक्टिंग करते थे अभिनेता। भले ही आज अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं है, परंतु फैंस को अमरीश पुरी के किरदार आज भी याद हैं। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे ऐसे अभिनेता हैं जो खलनायक, नायक और कॉमेडियन सभी किरदार में फिट बैठते हैं। वो अपने साथ और समय के सबसे काबिल और प्रतिभावान अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी सभी फिल्मों में हर बार अपने अलग अलग किरदार से दर्शकों को चौंकाते हैं। खलनायक के तौर पर शक्ति कपूर की गुंडा आंखें, चालबाज और मैं खिलाड़ी तू अनारी सुपरहिट फिल्में हैं।